यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इसी डिवाइस में जो है, मेरे इसी डिवाइस में ऑफिशियल 13 जो है, एंड्रॉइड 13 वाला वर्जन जो है वो आ चुका है मेरे इसी डिवाइस में। जी हाँ, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ही अभी दिखाऊंगा। अगर आपके पास ये डिवाइस है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप भी अभी तक ऑक्सीजन ओएस 13 अगर आप यूज नहीं किए हैं, अगर आपको नहीं मिला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना चाहिए, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज को ले सकते हैं। जैसे कि मेरा पास भी यही डिवाइस है, तो मुझे कैसे मिल गया और आपको अभी तक कैसे क्यों नहीं मिला है, आइए उसको देख लेते हैं। पहले मेरा इसी डिवाइस में जो यहाँ पे न्यू जो अपडेट आया है एंड्रॉइड 13, वो कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, पहले वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फोन का जो सेटिंग है, बस सेटिंग पर आए होंगे, यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल रहा है आपको, इंटरनेट कनेक्शन आपको इस डिवाइस में देना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पे आऊंगा, स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है अबाउट डिवाइस, यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं नीचे की ओर ऑक्सीजन ओएस है, एंड यहाँ पे आपको 13 देखने को मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ नीचे की ओर यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन में यहाँ पे व्यू अपडेट में क्लिक करूंगा, व्यू अपडेट में अगर मैं क्लिक करूंगा तो चेकिंग फॉर अपडेट्स का लिखा हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताएगा, देख सकते हैं वही चीज है, यहाँ पे क्या है, अपडेट अवेलेबल ऑफिशियल वर्जन, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ऑफिशियल यहाँ पे वर्जन आ चुका है मेरे इसी डिवाइस में। अबाउट दिस वर्जन में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे दिखाएगा आपको ये कि एंड्रॉइड 13 अगर आप यूज करते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस डिवाइस में, वो चीज आपको यहाँ पे पूरा चीज बता रहा है। सो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस 13 का क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पूरा चीज मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, पूरा चीज कवर किया हूँ। सो यहाँ पे फिलहाल मैं इसे जो है डाउनलोड करूंगा। सो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, एंड उससे पहले ये समझ लो आपके डिवाइस में स्पेस होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम स्पेस आपको रखना होगा, एंड ये अपडेट जो लगा कितने का लेगा, 191.30 MB का लेगा। ओके, जो एंड्रॉइड 13 जो रहता है ये जो है 4.550 GB का होगा, अगर आप नहीं एक बार भी अपडेट किए तो। मैं एक वर्जन को ले चुका हूं, एंड ऑफिशियल जो अपडेट आया है वो मुझे नहीं मिला था, फिलहाल यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन मिल गया है। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, अभी देख सकते हैं, सो डाउनलोड होने दे रहे हैं। अगर आप नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चीज आपको दिख रहा है, सो आपको कैसे ये लेना है वो भी तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपके पास ये डिवाइस है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और कभी सारे ऑलरेडी वीडियो है इसी चैनल पे इस फोन से रिलेटेड जरूर देखिएगा, एंड इन फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके इस डिवाइस में, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मेरे से ले सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके तो आपको जरूर रखना चाहिए, एंड इंस्टा फेसबुक में जाके फॉलो आपको जरूर कर लेना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिलेगा, जाके एक बार चेक इन जरूर कर लेना, वहां भी आपको इसी फोन से रिलेटेड, वन प्लस फोन से रिलेटेड काफी कुछ आपको वहां से भी सीखने को मिलेगा। सो जाके विजिट जरूर कीजिएगा, जाके एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा वेबसाइट को, और फिलहाल जो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, इसी को पहले कंप्लीट होने दे रहे हैं। सो गाइस, डाउनलोड पूरा होने के बाद उसके बाद आपको जो है इस तरह से आपको एक्सट्रैक्टिंग आपको जो है देखने को मिलेगा, ये भी आपको कंप्लीट होने देना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ओके, जितने जितना यह प्रोसेस लेगा पूरा आपको होने देना है, एंड नेट कनेक्शन आपको जो है देना ही होगा तभी ये कंप्लीट होगा। नेट MB आपको देख सकते हैं यहाँ पे कितना लेगा वो आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, एंड फोन में आपको स्पेस तो रखना ही है। सो चलिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है, इसे भी कंप्लीट होने देना है। इसके बाद गाइस वेरीफाई होगा, तो वो वेरीफाइंग आपको भी होने देना है। उसके बाद आएगा लास्ट ऑप्शन यहाँ पे इंस्टॉल करने का, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से क्लिक करोगे आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा डिवाइस जो है गाइस ऑफ हो चुका है। सो यहाँ पे इंस्टॉल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका भी डिवाइस जो है ऑफ हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइस को ऐसा नहीं पावर वाला बटन प्रेस करना है, नहीं करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करें, जैसे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन होकर आएगा, देख सकते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली ऑन होकर आ रहा है, तो ये आपको होने देना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अब इसके बाद जो क्या फीचर्स मुझे शो ऑफ होगा, सो वो चीज मैं यहाँ पे देखूंगा। सो इस तरीके से आप जो है एंड्रॉइड 13 यानी ऑक्सीजन ओएस 13 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस डिवाइस में। सो अब यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये मिलेगा, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है सो इसका जो ऑफिशियल वर्जन है फाइनली कब तक किस डिवाइस में आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सो पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं इस फीचर्स को, ये मैं इंस्टॉल किया, इसका जो है मॉडिफाई कुछ किस टाइप का देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मैं यूज किया था तो, लेकिन वो क्या था कि ऑफिशियल वर्जन नहीं था, वो ऑफिशियल वर्जन नहीं था। सो यहाँ पे अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिशियल वर्जन मुझे आ गया है, मैं कुछ छेड़खानी किया था, उसके बाद यहाँ पे ये काम हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली मेरा फोन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो अप हो रहा है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल वर्जन, ओके, ऑक्सीजन ओएस 13.0। यहाँ पे कंप्लीट मुझे अभी जो है ऑक्सीजन ओएस 13
मिल गया है इस डिवाइस में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सेटिंग वोटिंग आपको जो है इस टाइप का देखने को मिल रहा है, एंड एंड्रॉइड वर्जन आपको शो अप होगा ये अपडेट करने के बाद। एंड जो है गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँ काफी सारे फीचर्स जो है वो एक्टिवेट हुए हैं, एंड काफी सारे सेटिंग वोटिंग इधर उधर था वो पूरा सही हुए हैं, एंड काफी न्यू फीचर्स इस पे एड हुआ है। सो अब जो है मैं कुछ रोज यूज करूंगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि इसका बेनिफिट कैसा रहा। ओके सो गाइस फाइनली इस तरह से आप भी जो है अपने एंड्रॉइड फोन पे यानी इस डिवाइस में एंड्रॉइड 13 वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो एंड्रॉइड 13 वर्जन अभी जो एक्टिवेट हो गया है मेरे इस डिवाइस में, सो अगर आपके डिवाइस में नहीं हुआ है सो इससे पहले आपको क्या करना होगा, इससे पहले आपको ये करना होगा कि मेरा इस वीडियो को जरूर देख लेना होगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि इस जो है फोन को आप जो है वीटा जो प्रोग्राम रहता है वीटा पे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड 13 ये ऑफिशियल वर्जन मुझे यहाँ पे मिला है। इससे पहले मैं वीटा जो रहता है वीटा प्रोग्राम उसमें मैं जो है अप्लाई किया था, एप्लीकेशन सबमिट करने का होता है वो किया था, उसके बाद जो है 4.50 GB का मुझे जो है अपडेट मिला था वही एंड्रॉइड 13 का, वो एक्टिवेट किया था उसे जो है इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद ऑफिशियल वर्जन जो है वो मुझे नहीं मिला था, उसके एक रोज बाद मुझे जो है ऑफिशियल वर्जन भी मिल गया है। ओके सो इस तरह से आप भी जो है ले सकते हैं इस, अगर आपको ये डायरेक्ट अगर मिल गया है, अगर आप न्यू अभी फोन परचेज किए हैं सो हो सकता है कि आपको मिल गया होगा जिस वक्त आप परचेज करोगे। ओके अगर आपको नहीं मिला है सो आपको वेट करना होगा। एंड यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट किया इसके बात किया सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ ही मंथ में सभी डिवाइस में एक्टिवेट हो जाएगा। ओके अगर आपके डिवाइस में नहीं मिला है अभी ये एंड्रॉइड 13 तो कुछ रोज बाद यानी कुछ मंथ बाद सभी डिवाइस में एंड्रॉइड 13 जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा ऑफिशियल वर्जन के साथ साथ। ओके जैसे कि मुझे यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन जो है मिल गया, इससे पहले मैं एप्लीकेशन सबमिट किया था बीटा प्रोग्राम पे जो है वहां पे वो काम किया था, उसके बाद मुझे ये मिला। सो आप भी बीटा प्रोग्राम में जो है एप्लीकेशन सबमिट करके देख सकते हैं अगर आपको जल्दी में लेना है ये जो है फीचर्स को। सो गाइज आई होप कि आपको काफी बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से। सो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो सो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।